बाद पीएमसीएच में बरवड्डा पुलिस और डॉक्टरों में झड़प। पीएमसीएच के तमाम कर्मचारियों ने पुलिस का विरोध करते हुए हड़ताल पर जाने की बात कही है। आपको बता दें, सूचना पाकर डीसी उमाशंकर के निर्देश पर धनबाद डीएसपी मुकेश कुमार पीएमसीएच पहुंचे। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी और हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की। फिलहाल पीएमसीएच पुलिस और प्रशासन के बीच वार्ता चल रही है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर और कर्मचारियों का मानना है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। कर्मियों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी सभी कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं मीडिया से डॉक्टर और कर्मचारियों ने बताया कि परवड्डा से 4 जवान, 2 महिला, 2 पुरुष कोरोना वायरस की जांच के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे, लेकिन यहां लंबी लाइन की वजह से देरी हो रही थी। इसी वजह से पुलिस कर्मी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ पुलिस कर्मियों की धक्का मुक्की हुई। बरवड्डा थाना से वहाँ के एसआई और कुछ कांस्टेबल, लेडीज पुलिस सब यहाँ आई थी जांच के लिए। ठीक है, हम लोग सबका जांच कराते हैं, सुबह से लेके 12 बजे रात तक खटते हैं। डेड बॉडीज कोरोना का बॉडी, हम लोग बॉडी से लेके हर चीज़ का, कैदी से लेके सब चीज़ का जांच करवाते हैं। इन लोग जांच कराने आए हैं, मेरे यहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं थे। ठीक है, अब लेट होगा भैया, एक से एक सब कोई आता है, सब कोई लाइन में लगता, तो हम तो लाइन में लगा के लेंगे ना। नहीं तो आप अगर आइएगा, प्रशासन है आप तो आपका थोड़ी पहले कर देंगे। पीछे मेरा और 20 पेशेंट खड़ा है, अब उसके लिए उन लोग हंगामा करने लगे, हल्ला करने लगे। हम लोग थाना का है तो ऐसे हैं वैसे हैं, उसमें बोले कि अपना एचओडी को बुलाइए, टुड्डू सर आए, मेरे टुड्डू सर को धक्का मुक्की कर दिए। ठीक है, मेरे स्टाफ पे जूता चला दिए, मेरे नर्स पे हाथ चला दी मैडम, बरवड़ा थाने की मैडम। तो भैया ये सब क्या है, सुबह से लेकर रात तक हम लोग दूसरे के लिए खटे हैं, 10 बजे रात, 11 बजे रात में घर जाएं, मैंने हम लोग घर परिवार नहीं है, और ऊपर से हम लोग लाज जूता भी खाएं प्रशासन का। वो लोग प्रशासन हमको थोड़ी पेमेंट दे रहा, प्रशासन थोड़ी खिला रहा हमको। क्या चाहते, क्या चाहते क्या, अगर इसका अभी अगर इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम लोग कल से काम नहीं होगा। ठीक है, कोविड बंद रहेगा, आरटीपीसीआर बंद रहेगा, मेरा टोटल स्टाफ घर में रहेगा, काम यहाँ नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, रिकॉर्ड क्लर्क, फ्रंटलाइन कंपनी। बरवाड़ा थाना के वहाँ के जो प्रभारी हैं और कुछ स्टाफ, वो आए थे अपना जांच वगैरह करवाने के लिए। तो चूंकि यहाँ एक लंबा लाइन लगा हुआ था, हो सकता है कि उसमें उनको सैंपल कलेक्शन में थोड़ी देरी हुई थी, जिसके कारण से थोड़ा उद्वेलित हो गए, और हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ थोड़ा सा उन्होंने, शुरुआत में तो थोड़ी सी बात, जैसे शुरुआत नॉर्मल होता है उस तरह से हुआ, बाद में थोड़ी बात आगे बढ़ गई। उसके बाद डॉक्टर के पीठ पर उन्होंने हाथ डाल दिया और एक स्टाफ को उन्होंने थप्पड़ भी चला दिया। फिर हमने देखा कि एक हमारे स्टाफ को घिसते हुए भी ले गए। जो ही मुझे खबर मिली मैं तुरंत आया और आकर के मैंने डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर, थाना प्रभारी सराय ढेला, सबों को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। संजोग से वो सब तुरंत पहुँच गए। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने कहा कि जो भी बातें होगी नियम के तहत, कानून के दायरे में जो भी बातें होंगी, उनको फुटेज, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने अपने बड़े पदाधिकारी से भी बात करी है और जो नियमानुकूल जो कार्रवाई करनी होगी उसका उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना में 24 घंटे हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से जांच। ये डॉक्टर एलवी टुड्डू हैं, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर, एक यूनिट इंचार्ज हैं। हाथ में ही, मतलब उनके दुर्व्यवहार हुआ, हाँ दुर्व्यवहार तो हुआ, दुर्व्यवहार स्टाफ के साथ, एक थप्पड़ चला है और एक स्टाफ को घिसते हुए ले गया, ये तो बातें हुई। हाँ, सीसीटीवी फुटेज हमने उनको उपलब्ध करा दिया है। हाँ, पूरी घटना रिकॉर्ड है। क्या कार्रवाई की मांग की जाएगी? हमने तो जो करना है लिख करके दे दिया है। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो नियम के तहत, जो नियमानुकूल है, अगर उन्होंने बदतमीजी करी, उन्होंने देखा भी और एक्सेप्ट भी किया, तो उसके तरह उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो करें। वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था तो सर, टुड्डू सर वहीं पे थे, टुड्डू सर के ऊपर सब अति करने लगा ना, हम अपना मोबाइल चला रहे थे। ठीक है, तो मैडम को लगा कि हम अति कर रहे हैं या कुछ भी, उनको जो लगे, आए हमसे मोबाइल छीनने, तो हम मोबाइल नहीं दिए, हल्का झटका मार दिए, तो मैडम मेरे ऊपर थप्पड़ चला दी।